बेटा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी भी तरीके से अगर इस अच्छे काम में हमारी जरूरत हो तो हम हमेशा साथ हैं। थैंक यू जी। एम एस बीता जी के ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के कम्युनिकेशन डेज मनाते हैं उनसे दिल में वो इंस्पिरेशन वो मोटिवेशन जिंदा रहती है, इसलिए बेटा जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सिंगम बेबी अवार्ड सबके आखिरी हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को एक नई सोच देने वाले श्री अजय देवगन साहब जी, श्री रोहित शेट्टी जी, जिनका भी रोल इस देशभक्ति और फोर्स के लिए नया जज्बा पैदा करना, हिंदुस्तान के अंदर वो वीरपन जिसके नाम पे हिंदुस्तान बाहर भी लोग कांपते थे, बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े अधिकारी आए,
पर उस वीरप्पन को पकड़ नहीं पाए। श्री के विजय कुमार जी जो सीआरपी के डीजीपी रहे, तमिलनाडु की वो फोर्स के चीफ रहे, इतने साल का वीरप्पन का आतंकवाद श्री विजय कुमार जी ने समाप्त किया, हमारे सामने बैठे यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टर मैडम मेहरा जी, श्री मुकेश कुमार जी और मेरी बहन जो अभी आपके सामने बोल रही थी, कितनी हिम्मत बोलने की। कुछ समय पहले पति भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए अपने फोर्स के लिए जब वर्दी पहनी थी इंडियन पुलिस सर्विस की, शपथ ली थी कि मैं भारत माता की आजादी की रक्षा करूंगा, संकल्प करूंगा, गलत काम से समझौता नहीं करूंगा, हुकूमतों पे चलूंगा, किसी राजनीतिक दबाव के नीचे नहीं आऊंगा। सामने बैठा बेटा उस बहन का, माता पिता, कितना बड़ा जज्बा, अपने विचारों को रखा, अपने पति के विचारों को रखा और आज आपके सामने है। मेरे भाइयों और सामने बैठे हुए वो बहादुर जाबाज, बहादुर सिपाही जिन्होंने सरहदों की रक्षा करते हुए अपना जीवन निछावर कर दिया, मेरी बहने और हमारे नौजवान दोस्त, आज हिंदुस्तान को आतंकवाद से, क्राइम से बहुत बड़ी चुनौती है। और जब भी फोर्स का कोई भी जवान वर्दी पहनता है तो वर्दी पहनने में उसका एक ही संकल्प होता है और अपने घर वालों को ये कह के निकलता है कि आज मैंने फोर्स की वर्दी पहनी है, भारत माता की आजादी की रक्षा की शपथ ली है, मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं भारत की सीमाओं की और भारत की आजादी की रक्षा करूंगा, बहनों के सौभाग्यों की रक्षा करूंगा। कितनी देर तक इस आजाद भारत के अंदर हमारे शहीदों को, हमारे जवानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब हमारा जवान शहीद नहीं होगा? फिर समझेंगे कि देश को आजादी मिली है। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अजय देवगन। श्री अजय देवगन और श्री रोहित शेट्टी का प्राइड ऑफ नेशन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हम अभिनंदन करते हैं। बेटा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी भी तरीके से अगर इस अच्छे काम में हमारी जरूरत हो तो हम हमेशा साथ हैं। थैंक यू।